YouTube family, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome back to Kavya Ankita. आज हम चलते हैं द्वारका सेक्टर 10 रामलीला. फ्रेंड्स, इंडिया के माननीय कलाकारों द्वारा ये भव्य मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये जो मेला है इस बार 26 सितंबर से स्टार्ट होके आपका 5 अक्टूबर तक चलेगा और इसका एड्रेस जो है वो द्वारका सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर लॉकडाउन मतलब 2 सालों के बाद ये ऑर्गेनाइज किया गया है. ये फ्रेंड्स यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो है आपकी VIP एंट्री है. यहाँ से आपके जो है VIP लोग जो है यहाँ से एंटर करते हैं और इसके राइट साइड में आपको पार्किंग दी जाती है जहाँ पे आप अपनी कार्स व्हीकल्स मोटरसाइकिल्स सब आप वहाँ पर रख सकते हैं. जो कि पार्किंग फीस होती है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है. जैसे कार की 100 रुपये है. फ्रेंड्स, ये है इमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ एनी मिसहैप, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं. वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है लाइक, फिर भी इन्होंने एक इमरजेंसी एग्जिट द्वार बना रखे हैं. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वो एंट्रीज गेट्स मिल जाएंगे. एक और ये पोस्टर वहाँ पर आपको मेरे को मिला था तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया है. अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं. फ्रेंड्स, ये है एंट्रेंस पॉइंट. यहाँ पर आप देख सकते हो लंबी सी क्यू है. मेल्स की अलग क्यू है और फीमेल्स की अलग क्यू है. तो आपको यहाँ क्यू के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा. कोई भी इसमें फ़ी चार्जेस नहीं है. एंट्री फ्री है आपकी. चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, वो सबके लिए फ्री एंट्री है यहाँ पर. इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. सबसे पहले एंटर करते के साथ ही सबसे पहले यहाँ पर हमारे को ये स्लाइड वाला मिला था गेम, जो कि काव्या को पसंद आया तो शी वॉन्ट टू गेट एंटर्ड इन इट. और इसकी जो फीस थी, टिकट फीस थी, वो 100 रुपीज़ थी. मात्र 100 रुपीज़ में आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं. आपका बच्चा इंजॉय कर सकता है, ठीक है. और ये फर्स्ट टाइम था जब काव्या किसी भी इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे स्लाइड करने जा रही थी. एंड शी वॉज़ नॉट एट ऑल स्केयर्ड. हमने उसे बहुत बूस्टअप किया पीछे से एंड शी वॉज़ डूइंग वेरी गुड. और ये जो है आपका 100 रुपीज़ में है. तो मोस्टली क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपको बहुत सारी राइड्स मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट तरह की राइड्स मिल जाएंगी. और इस बार बहुत ज़्यादा इन्होंने राइड्स इसमें इंक्लूड की है. पास्ट जितने भी ईयर्स हैं उससे ज़्यादा इसमें राइड्स मुझे देखने को मिली. इनफैक्ट यहाँ पर खाने के लिए स्टॉल्स और ये सब मैं आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाऊंगी. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपकी टिकट्स यहाँ पे लगेगी तो 200, जो कि बहुत बड़े बड़े लाइक झूले होते हैं ना जो गोल गोल घूमते हैं वैसे, उनकी जो प्राइसेज है वो 200 की है. अदरवाइज आपको 100 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100-150 में आपके सारे टिकट्स इसमें यहाँ पर अवेलेबल हैं. ओके, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड ग्रेट फन. जो आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ. यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ना, रामलीला देखने को मिलेगी. तो जिसका जो रामलीला का जो टाइम है फ्रेंड्स, वो है 8 से 12. रात को 8 से 12 वो चलती है. और उसके पहले आप यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो, है ना. और फूड आइटम्स बहुत सारे हैं और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. लाइक आपको मैं इसमें बताऊँ कि कप्स मिल जाएंगे और आपको क्या कहते हैं प्लेट्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी सेल में, लाइक 20-40 रुपीज़. आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बड़े बड़े झूले आपको दिख रहे हैं ना, जो ऊपर 360 डिग्री पे घूम रहे हैं, ये लाइक सर्कल, दीज डॉलर ऑफ 100-200 रुपीज़. ओके, और बाकी जो आपको इसमें कार्स और छोटी छोटी ड्राइविंग की आपको बच्चों के लिए दिख जाएंगे ना, वो सारे आपको 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. जैसे ये स्ट्राइकिंग कार्स है ना, तो ये भी आपको 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी. फ्रेंड्स, राइड्स तो इसमें एंडलेस है. और ये एक अलग से स्टॉल मुझे देखने को मिला था वहाँ पे, स्मोक बिस्किट. इसमें क्या है, आपको बिस्किट्स, स्मोक बिस्किट्स मिलते हैं. तो बाकी अभी हमारे फास्ट चल रहे हैं तो ये तो हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पर. और एक ही गेम आप देख सकते हो ना, इसके ऊपर क्या है, बॉटल्स के ऊपर आपको यहाँ पर मैच बॉक्स रखी हुई है और ये आपको शूट करना होता है. ये भी 100 रुपीज़ में है. 100 रुपीज़ में आपको 5 टाइम्स मिलता है और 5 टाइम्स में आपको आप जो भी अगर आप इसमें प्रोडक्ट गिरा देते हो तो वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है, ठीक है. तो ये आपको ये भी फन था गेम. एटलीस्ट बार हम लोग ट्राई किया मेरे हस्बैंड ने, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल. बट अगर आप देखोगे ना तो बहुत फन लविंग गेम है रियली. नाउ इट वॉज माई टर्न और मैंने भी ट्राई किया ये मैच बॉक्स गिराने के लिए, बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल. ये मुझसे भी नहीं हुआ और ये थोड़ा सा ट्रिकी है और नहीं हो पाया फिर. और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रामलीला है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत सी जगह पर मनाई जाती. इसमें बेसिकली श्री राम जी के चरित्र पर आधारित प्ले या नाटक किए जाते हैं. इट इज़ ऑफन प्लेड ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी एज वेल. एंड द रामलीला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दशहरा फेस्टिवल. हेयर वॉट the people do is they give the life story of Rama, Sita and Lakshmana, which is
कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड इन रामलीला। दिस इज द इनर व्यू। ये देखिए यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको खाना मिल सकता है। यहाँ पे भटूरे, छोले, गोलगप्पे और टिक्की सब वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसी स्टॉल के सामने एक अंकल बैठे हैं, वहाँ पर आपको क्या है ना टोकन लेना पड़ता है। टोकन के थ्रू आप जाइए स्टॉल के ऊपर और वहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं टोकन उनको दिखाने के बाद। बहुत ईजी वे है, यहाँ पर कोई भी मारामारी नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ भड़का टाइप से। बहुत अच्छे तरह से इन्होंने मैनेज किया ये आइसक्रीम्स वगैरह। और वहाँ आप देख सकते हो हॉन्टेड प्लेस भी है जहाँ पे भूत वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कि बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना, मेले वगैरह में मिलते हैं, तो काव्या ने भी बाय किया था। और आप यहाँ पर आएँ, बहुत इन्जॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एवरीथिंग है, सब कुछ। और ये देखिए, ये जो है ना एंट्रेंस है जहाँ पर आपका ये रामलीला प्लेग्राउंड, यहाँ पे ये पूरा रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पर ही स्टेज जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पर ही सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये देखिए कितनी सारी चेयर्स इन्होंने लगाई है और बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं मुझे दिखने को मिली, बहुत अच्छे से क्लीनिनेस थी पूरी तरीके से। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, आई मस्ट से दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। और इतनी अच्छी सिक्योरिटी, लाइक पुलिस एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पे मेरे को देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं लगा कि लाइक कुछ भी मिसहैप होगा तो इमीडिएटली दे कैन टेक एक्शन, राइट फ्रेंड्स। ये मेरा फेवरेट स्टॉल था वहाँ पर, शिवधारा। और यहाँ पर क्या है ना, आपको शेक्स मिलते थे और डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स हैं यहाँ पे, पान शेक और आपका ड्राई फ्रूट शेक, है ना, और शिवा शेक भी था। तो बहुत ही मस्त मुझे यहाँ पे लगा क्योंकि मेरा फास्ट भी चल रहा था, तो आई हैव ट्राइड द ड्राई फ्रूट शेक और डैट वॉज़ वेरी ऑसम। एंड द पीपल दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल जो यहाँ पर स्टॉल पर खड़े हुए थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और ये है फ्रेंड्स भूत बंगला, इसके अंदर आपकी 100 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन, आप जा सकते हैं। और अंदर जाएंगे तो आपको भूत वगैरह ये सब मिल जाएगा, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जा सकते हैं, ओके। और फ्रेंड्स उसके साथ में आपको ये स्टॉल्स देखिए अलग अलग, ये है ना जयपुरी आइटम्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। आप अगर आपको परचेज करना है तो यू कैन गो टू परचेज द सेम। फ्रेंड्स ये है एंट्रेंस, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। चलो अब हम अंदर चलते हैं क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8:30 PM एंड अब हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या फंक्शन अंदर चल रहा है ना। अब भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ परफॉर्मेंसेस कैप्चर किए, वो मेरी इस वीडियो में है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और उन सारे परफॉर्मेंसेस को इन्जॉय करिए, ओके। और इसमें एक नाट्य रूपांतरण भी है जो कि दिखाया गया है इसके अंदर, रामलीला की स्टोरी। और ये 28 सितंबर का मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ इस वाली वीडियो में। और इसके बाद मैंने लास्ट में एक गेम और इसमें इंक्लूड किया है जो कि बैलून शूट है, वो भी अच्छा गेम है फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना फ्रेंड्स। और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
हम जाएंगे और आपके बीच में जैसा कि हमारे कड़े हैं सूत्रधार आपके बीच में आने जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से वो आपको लीला का ज्ञान कराते हैं और एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। Oh,
वाले गेम में आपके टिकट प्राइस 100 rupees है, 100 rupees में आपको 10 times मिलता है। तो 5 times मेरे हस्बैंड ने खेला था, 5 times मैंने खेला था, उन्होंने एक भी नहीं मारा बलून को और मैंने 3 फोड़े थे। तो ये वाला बहुत ही मस्त गेम है, ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं आके 100 rupees में। सो फ्रेंड्स, नाउ इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑफ रामलीला मैदान द्वारका सेक्टर 10, 28 September दैट आई हैव शोन इन दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड इट, होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर। एंड आप इसमें कमेंट करें फ्रेंड्स, आपको जो भी पसंद आया हो या ना पसंद आया हो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी बहुत जल्द। जैसे ही मेरे पास आते हैं कमेंट्स, आई रिप्लाई टू माई व्यूअर्स। और फ्रेंड्स, आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन मत दबाएँ, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको पॉपअप हो जाएंगी यूट्यूब पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल काव्यांकिता बाय लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।